सिंपल हाइपोथेसिस सिंपल हाइपोथेसिस इन विच देर एग्जिस्ट एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स वन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कॉज एंड द अदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल और इफेक्ट वो कहता है सिंपल हाइपोथेसिस इन विच देर इज देर एग्जिस्ट यहां पर एग्जिस्ट आना था सॉरी यहां पर उल्टा लिखा हुआ है एग्जिस्ट समझ लेना है इसको एक, देर एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स के दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप है और जिसको वो कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कहते हैं इज वन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको कॉज कहते हैं एंड अदर इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको इफेक्ट कहते हैं यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको कॉज भी कहा जाता है और डिपेंडेंट uh, वेरिएबल को इफेक्ट भी कहा जाता है सिंपल हाइपोसिस की दूसरी डेफिनेशन है ठीक है जी इसको भी सिंपल हाइपोसिस इन विच ऑल पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड ये डेफिनेशन आपको कम देखने को मिलेगी ये वाली डेफिनेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी ये दो डेफिनेशन हैं जो समझ आए उस हिसाब से आपने कर लेना है ये वाली डेफिनेशन ज्यादा देखने आएगी देखने को आएगी खासतौर पर स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो आप इसी हिसाब से देखिए सिंपल हाइपोसिस इन विच ऑल पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड कि इसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं एक एक खास वैल्यू ली जाती है एग्जैक्ट वैल्यू ली जाती है जैसे मैंने नीचे भी लिखा है हाइपोसिस द एग्जैक्ट वैल्यू ये वो वाला हाइपोसिस होता है जिसके अंदर वैल्यू एग्जैक्ट ली जाती है या जा कंसिडर की जाती है फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ इंटरमीडिएट स्टूडेंट इज 18 ईयर जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है उनकी एज 18 ईयर होती है यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू है ठीक है जी एज इज इक्वल टू एटीन एग्जैक्ट वैल्यू ना लेस है ना मोर है ना ग्रेटर है ठीक है जी एग्जैक्ट वैल्यू है